जबान से ये नहीं कहना कि मैं अम्मी आयशा का बेटा हूँ, मैं अम्मी आयशा का बेटा हूँ। तेरे मुल्क के अंदर एक खंजीर उठकर अम्मी आयशा की जात पे तबर्रा करे और तू कहे कि मैं अम्मी आयशा का बेटा हूँ, तू शर्म से डूब भी नहीं मरा। तू शर्म से सक्कर एक्सप्रेस के अंदर तेरी माँ को नंगी और गलीज गाली दी जाए और तू खामोशी से सुनता रहे, चुप करके बैठा रहे और कहे कि मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मैं शरीफ हूँ। असहाबे मोहम्मद की जो तौहीन को सुन ले, इतना भी कोई पाबंद शराफत, बोलो इतना भी कोई पाबंद शराफत नहीं होता। अगर तेरे अंदर गैरत है तो मैं तुझसे बात करता हूँ, अगर तेरे अंदर गैरत नहीं तो मुझे तुझसे बात करने की जरूरत नहीं। समझ आ रही है? अब सुन, मैंने तुझसे पहले इसीलिए पूछा, अब एतराज होगा जी ये क्या किया, मैंने तुझसे इसलिए पूछा तू नौकर है या सिपाही, पूछा ना, तूने कहा मैं सिपाही हूँ। जैसे इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए एक कलमा जरूरी है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही सिपाही सहाबा में दाखिल होने के लिए एक कलमा जरूरी है जिसे कहा जाता है काफिर काफिर शिया काफिर, और ये एक ऐसा कलमा है जो तेरे ईमान की गवाही देता है, ये ऐसा कलमा है जो तेरे ईमान की तस्दीक करता है, ये ऐसा कलमा है जो बताता है कि तू आदिल है, ये ऐसा कलमा है जो बताता है कि तू शुजा है, ये ऐसा कलमा है जो बताता है कि तू हयादार है, और बताए क्यों ना, क्यों, इसलिए इन्नी लमिन महशरिन अफना अवाइलहुम कौलु सहाबती अला हिनल मुहमुना, मेरा ताल्लुक ऐसी जमात के साथ है, मेरा ताल्लुक ऐसे गिरोह के साथ है, मेरा ताल्लुक ऐसे तबके के साथ है कि जिसके बड़े फना हो गए। वजह क्या थी? सहाबा ने ये कह दिया कि कहां है हमारे मुआफिद, तो सिपाही सहाबा आज तहफ्फुज का ऐलान करते हुए, और सिपाही सहाबा में अगर शमूलियत चाहते हो तो फिर कुव्वत के साथ ये नारा लगाना पड़ेगा, तुझे फिर ये कलमा पढ़ना पड़ेगा। अगर तेरा ताल्लुक सिपाही सहाबा से, अगर तेरा ताल्लुक किसी और से, मुझे तुझसे कोई कर्ज नहीं, तेरा जो दिल चाहे कर, मुझे एक शख्स ही काफी है जो सच्चा हो, खरा हो, और ये कहे कि मैं सिद्दीक की सदाकत की गवाही देता हूँ, ये कहे कि मैं उमर की अदालत की गवाही देता हूँ, ये कहे कि मैं उस्मान के हयात की गवाही देता हूँ, ये कहे कि मैं अली की जुदात की गवाही देता हूँ। और याद रख, ये कलमा, ये नारा काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा इन सब बातों की तस्दीक है, ये नारा सदाकत की सदाकत है, ये नारा अदालत की अदालत है, ये नारा हया का हया है, ये नारा शुजात की शुजात है। याद रखना, ये नारा तुझे सिद्दीक ने अता किया, ये नारा तुझे उमर ने अता किया, ये नारा तुझे उस्मान ने अता किया, ये नारा तुझे हजरत अली ने अता किया। ये मेरी बात मन गलत नहीं, बल्कि रब का कुरान कैसे कहता है, वैसा किधर हम आमिनु कमा अमन अन्नास कानू अनुमिनु कमा अमन सुफा अला इन्नहुम हुम सुफा अला इन्नहुम हुम सुफा। रब के कुरान ने वाजे तौर पर क्या बताया, अल्लाह कहते हैं कि ईमान ला इन लोगों की तरह जो ईमान लाए, यानी गवाही दे इन मुकद्दस हस्तियों की तरह, ऐसी गवाही दे। और उन्होंने कहा कि इनकी कर तरह गवाही, ये तो बेवकूफ है। क्या कहा उसने? और अल्लाह ने आगे कहा अला इन्नहुम हुम सुफा, ये नहीं तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। तो आज तेरे इस दौर के अंदर तुझे ये ऐलान करना होगा। वजह क्या है कि उस वक्त उसने बेवकूफ कहा था सहाबा को, आज वो सहाबा को काफिर कहता है, तो तुझे ऐलान करना होगा कि वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। और ऐसा ऐलान, और याद रख, ऐसा ऐलान कि तेरी जुबान खामोश न रहे, और ऐसा ऐलान कर कि रोजे माशर मैं भी तेरी गवाही दूं, तू भी मेरी गवाही दे, हम अपने रब के उस प्यारे महबूब के सामने सुरखरू हो सके कि हमने आपकी नबूवत की गवाही को सही माने के अंदर अदा किया है, आपके गवाहों का तहफ्फुज किया है, आपके गवाहों पर उठने वाली उंगलियों को काटा है, आपके गवाहों की तरफ बढ़ने वाली जुबान को रोका है, उनकी तरफ जाने वाले कदम को रोका है, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोश के साथ, ऐसा ऐलान जो आज तेरी गैरत की आवाज बन जाए।
آخری بات آخری بات جو نہ مانے وہ بھی کافر بالکل کوئی شک نہیں جو نہ مانے بے شک یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی کہے کہ جو ہے نا جی یہ ایسے ہی خالی خولی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا جس کو چاہیے ہوں دلیلیں میں دلیلیں دے سکتا ہوں سمجھ آ رہی ہے میری بات یہ ایسے بات نہیں ہے خالی خولی کوئی جذباتی بات نہیں ہے میں جذبات سے بات کرتا ہوں جذباتی ہو کر نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات جذبات سے بات ضرور کرتے ہیں لیکن جذباتی ہو کر بات نہیں کرتے سمجھ آ رہی ہمارے سینے میں بھی دل ہے ہمارا سینہ بھی دکھتا ہے ہمارے سینے کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے تم اکیلے ہو صرف جنہیں تکلیف ہوتی ہے کیوں اگر چاہتے ہو کہ پھر قواریت کو ختم کر دیا جائے میں بھی چاہتا ہوں کہ پھر قواریت کو ختم کیا جائے آپ